वालेकुम, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ साइमा पीरजादा एंड यू आर वॉचिंग साइमा पीरजादा रिएक्शन चैनल। सो दोस्तों नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं एरियल सर्वे ऑफ दिल्ली, और ये होने वाला है दिल्ली टू मुंबई सर्वे मतलब एक्सप्रेस वे का, और ये डेट टू है। सो नितिन जी इसमें सर्वे कर रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है या क्या रोड्स की कंडीशन चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसा एक बड़ा एक्सप्रेस हाईवे हमारे देश में निर्माण हो रहा है, जो मुंबई और दिल्ली दो महानगरों को जोड़ने वाला है। इस हाईवे के निर्माण में टोटल 1380 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नितिन गडकरी जी जो हैं एक ऐसे महान, मैं उनको महान ही कहूंगी। वजह यह है कि वो कंट्री की डेवलपमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से, वो रोड्स को कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने कम बजट में वो बना रहे हैं, और ये हमें देखने को मिल रहा है। और काफी कम टाइम में वो इतनी ज्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो एरियल सर्वे ऑफ दिल्ली, दिल्ली का जो एरियल सर्वे है इसमें हमें देखने को मिला, जो कि मुंबई दिल्ली का जो एक्सप्रेस वे है वो हमें देखने को मिलता है। एंड इसमें गडकरी जी जो है वो खुद गए हैं और वहां पर जाकर सर्वे किया है और खुद चीजों को देख रहे हैं। कहते हैं ना कि कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है, जैसी कोई चीज होती है जिसपे जो जिसके अंडर में होता है वो खुद उस पर फोकस करे तो काम बहुत अच्छे से होता है। सो मुझे लगता है कि नितिन जी का भी ये जो पर्पज है सर्वे का ये बहुत अच्छा है। और मैं ये कहूंगी कि जो ब्रिज बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत ब्रिज बन रहा है,
और मुझे लगता है कि टॉप क्लास ये ब्रिज होगा और मतलब कि दुनिया का खूबसूरत तरीन ब्रिज कहलाने वाला है, बिकॉज जिस तरह का इन्होंने ये बनाकर, अभी प्रॉपर तो नहीं बना लेकिन बन रहा है जैसे, और देखने को भी आ रहा है, और कलर्स वगैरह का जैसे कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है, तो बहुत ही अमेजिंग। और मतलब इसमें दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो ये इजी हो जाएगा ट्रैवल करना, और आपको रास्ते में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी मिल जाएंगी, खाने पीने को रेस्टोरेंट्स, छोटे छोटे कैफेटेरियाज वगैरह मिल जाएंगे, हेल्प हो जाएगी बहुत। वैसे तो नॉर्मली लोग ट्रैवल जब करते हैं तो मैंने सुना है कि मतलब बहुत टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट 24 आवर्स तो लग ही जाते हैं, लेकिन अब जो है, अब 12 आवर्स में जो है वो लोग ट्रैवल करेंगे मुंबई टू दिल्ली का जो रूट है वहाँ पर। सो कितना इजी हो जाएगा अगर ये जो रोड हैं अच्छे बन जाएंगे और इतने कम टाइम में इतना ट्रैवल, और फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है जो है वो बहुत इजी हो जाएगी, लोगों का टाइम बहुत सेफ होगा, और स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम होता है एक शहर से दूसरे या फिर एक जो स्टेट से दूसरे स्टेट पर ले जाने के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ईजी होगा मतलब कि ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, तो टाइम भी बहुत सेफ होगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, और बहुत ही जल्द ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। एंड नितिन जी जो हैं, मैंने ये भी उनके बारे में सुना है कि वो जो मतलब कि जो काम स्लो कर रहे होते हैं उनके ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा नज़र होती है, और वो उनसे उनको जो है वो काम पे नहीं रखते, और जो काम अच्छे से करते हैं, दिल से करते हैं, सो उनको ही वो रखते हैं। तो इंडिया की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इंडिया रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, और आगे जाके मुझे लगता है कि इंडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। अभी भी है, बहुत इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया बहुत ही अच्छे से अपना एक इमेज बना चुका है, और अब जो है वो रोड्स बनाकर जो है वो अपने आप को एक अप लेवल पर लेकर जा रहा है, जिससे जो है वो इंडिया की बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आने वाले वक्त में, और लोग जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करेंगे। एंड यस, जब एक डेवलपमेंट होती है किसी कंट्री की तो खुशी होती है, अच्छा लगता है कि भाई देखो ये कंट्री जो है वो डेवलपमेंट कर रही है और आगे जाकर कामयाब हो रही है। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में और इस डेवलपमेंट के बारे में, और नितिन जी की इस प्रोग्रेस के बारे में ज़रूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। एंड मुझे इतनी अच्छा लगा, भले कोई भी डेवलपमेंट करता हो, कोई भी कंट्री में डेवलपमेंट होती है, सो हमें खुशी होनी चाहिए, इसमें जेलिसी की कोई बात नहीं है। ऐसा ये चीज़ें हमें याद नहीं रखनी चाहिए कि वो इंडिया है तो इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है तो हम इंडिया से जेलिस हों, नहीं, हमें खुश होना चाहिए कि इंडिया की डेवलपमेंट हो रही है और इंडिया आगे बढ़ रहा है। अगर इंडिया आगे बढ़ रहा है, इंडिया अपनी मेहनत से बढ़ रहा है, इंडिया ने अपना इन्वेस्टमेंट किया, अपना दिमाग लगाया, मेहनत है उनकी पीछे उनकी, तो हमें खुश होना चाहिए। सेम ऐसे ही और भी कोई कंट्री अगर डेवलपमेंट करती है तो हमें उन पर खुश होना चाहिए, बजाय इसके कि हम उनसे जेलस हों। सो अब हमारी जो कंट्री में, पाकिस्तान में बहुत सारी अगर इन्वेस्टमेंट होती है या फिर डेवलपमेंट होती है, हमें खुशी होगी। जैसे सीपैक बन रहा है तो उसके लिए हमें खुशी है कि हमारा सीपैक बन रहा है, अगर वो डेवलपमेंट नहीं होगी तो हम उस पर फिर बात आवाम बोलेगी कि हाँ ये क्यों हो रहा है। लेकिन यही है कि डेवलपमेंट जहाँ भी हो रही हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो मोदी जी हों। मोदी जी अगर मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत से अपना ये लेवल बनाया है, तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें उनसे हेट करने का कोई राइट नहीं बनता। अगर हम उनसे हेट करेंगे तो हेट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जो हैं उन्होंने अपना एक लेवल बनाया है अपनी मेहनत से, उन्होंने काम करके दिखाया है। अब मोदी जी को हम अगर मोदी जी बोलते हैं, जी का मतलब ये नहीं है कि जो है वो व्यूज़ के लिए, जी इसलिए बिकॉज वो काम कर रहे हैं, वो इस लाइक हैं कि उनको जी बोला जाए, ठीक है। और व्यूज़ का क्या है, व्यूज़ तो किसी भी वीडियोस पे आ जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जिस पे व्यूज़ नहीं आते। एनीवेज, ये थी हमारी आज की वीडियो, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, एंड ऑल्सो लॉज ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर नितिन जी सर, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट। सो मिलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो का एंड करते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।